हाय व्यूअर्स, दिस इज विभू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेड गियर इलाइट गेम पैड का रिव्यू। पहले मैं उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप मिस कर दिए तो स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दिया हूँ, चाहो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये रिव्यू वीडियो में एक गेम पैड को मैं मोबाइल फोन में कनेक्ट किया हूँ, लैपटॉप में कनेक्ट किया हूँ और एंड्रॉइड टीवी वगैरह में कनेक्ट किया हूँ, और आपको दिखाया हूँ कि हाई एंड गेम वगैरह इसमें कैसे चलता है, लो एंड गेम वगैरह कैसे चलता है। तो हम देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं डिटेल्स में। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में एक बेल का आइकन है, वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो ये फोन में मैं गेम पैड का OTG अडाप्टर को यहाँ पे लगा दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइट ऑफ हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे और एक बार निकल के आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जैसे ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे लगा देने से वो डायरेक्ट लाइट जो है वो चालू हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक गेम खेल के आपको दिखाता हूँ, तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो जैसे ही हम इसका अडाप्टर को लगा दिए मोबाइल फोन में, तो ये एक्स इनपुट में चला गया है, तो एक्स इनपुट में ओनली आपका लैपटॉप में ये गेम पैड चलेगा, इसीलिए आपको डायरेक्ट इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होम जो बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे 5 सेकेंड, तो ये डायरेक्ट इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी डायरेक्ट इनपुट में आ गया, मीन्स लेफ्ट साइड का जो लाइट है ये अगर लाइट अप होता है तो ये डायरेक्ट इनपुट है, और राइट साइड में जो लाइट अप होता है तो वो रहता है उसका एक्स इनपुट। तो यहाँ पे मैं बीच बगी रेसिंग गेम रखा हूँ, तो इसको ओपन करता हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, जब भी आप मोबाइल फोन से गेम वगैरह खेलेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट में इसको रखना है। तो ये ऑन होने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल लेके आता है, यहाँ पे कंट्रोल में जाइए, तो यहाँ पे गेम पैड नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसको फिर से एक बार लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी गेम पैड आ गया है, व्यू गेम पैड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको बता देता है कि कौन सा की से क्या काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो एनालॉग ट्रिगर रहता है इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए बटन जो है पावर अप है, तो आप यहाँ से देख के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो एक्सेलरेट है, तो इसको ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे एनालॉग बटन में एक्सेलरेट करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एक्सेलरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्ले और यहाँ पे नेक्स्ट, आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आप वाई बटन प्रेस कीजिए तो एंटर करेगा, फिर से वाई बटन और यहाँ से वाई बटन अलाउ, तो यहाँ पे देखिए ये अभी चालू हो गया। तो आप यहाँ पे या एनालॉग बटन से इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉयस्टिक से मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रिगरिंग करके उसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ। और ये जो सेकेंड एनालॉग बटन है इसको प्रेस करने से ब्रेक हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और इसको प्रेस करने से फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो आप कोई भी गेम खेलने से पहले उसका कंट्रोल में जाइए, गेम पैड का कोई भी गेम के अंदर आपको मिल जाएगा, वो कंट्रोल के अंदर आप उसको देख लीजिए कौन सा बटन कैसे काम करेगा, उस हिसाब से आप मोबाइल फोन से गेम खेल सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम इसको लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे ये कैसे सपोर्ट करता है। तो अभी हम हमारा गेम पैड को लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, ये गेम पैड का डोंगल है, इसको मैं लैपटॉप में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट एस्पर्ट 8 जो गेम है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम गेम को ओपन किए, पहला स्क्रीन जो है उसमें दिखा देता है कि गेम कंट्रोलर का सेटिंग। तो यहाँ पे जैसे गेम पैड का कौन सा की प्रेस करने से क्या होगा, तो पहला स्क्रीन में आपको दिखा देता है, अगर आप उसको फिर से देखना चाहते हैं तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल में जाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा।
और यहाँ पे और कुछ सेटिंग वगैरह भी है। तो यहाँ पे आप वाइब्रेशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स इनपुट में आपको वाइब्रेशन का फैसिलिटी मिलता है, जैसे कार वगैरह क्रैश होता है तो यहाँ पे आपको ये डिवाइस में वाइब्रेशन फील होता है, तो उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। और यहाँ पे गेम पैड का डिटेल सेटिंग वगैरह है, तो यहाँ से देख के आप ये गेम को खेल सकते हैं। जैसे कि ये एक्स इनपुट में है तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक्स इनपुट में आप ए को अगर प्रेस करते हैं तो ही एंटर होगा, या डायरेक्ट इनपुट में अगर आपका डिवाइस है तो आप वाई में प्रेस करेंगे तो ही एंटर होगा। तो यहाँ पे ये एक्स इनपुट में है तो इसीलिए ए प्रेस करने से ये एंटर हो जाता है। और बैक के लिए अगर ये एक्स इनपुट में है तो बी उसका बैक है, अगर डायरेक्ट इनपुट में है तो एक्स उसका बैक है, तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये स्मूथली कंट्रोल हो रहा है, मगर यहाँ पे एक्स इनपुट में आपको वाइब्रेशन फील होगा, जैसे डायरेक्ट इनपुट में वाइब्रेशन आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्रैश हो गया गाड़ी, तो यहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ। तो आपको एक्स इनपुट में ये एक फायदा है, तो आपको वाइब्रेशन फील होता है और डायरेक्ट इनपुट में वाइब्रेशन वगैरह आपको नहीं मिलता है। पीसी वगैरह में भी या लैपटॉप में ये बहुत ही स्मूथ है। तो देखिए अभी मेरे को ये वाइब्रेशन फील हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप स्मूथली गेम वगैरह खेल सकते हैं। ये तो मैं आपको रेसिंग गेम दिखाया, बाकी सभी गेम भी आप आराम से इस पे खेल सकते हैं। बस कोई भी गेम आप पहले खेलते हैं तो वहां पे उसका कंट्रोल एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद गेम खेलेंगे तो आप स्मूथली उसे खेल पाएंगे। तो अभी हम ये डिवाइस को हमारा एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट करते हैं और वहां पे देखते हैं इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है और गेम कितना स्मूथली हम खेल पाते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं गेम पैड को एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आराम से काम कर रहा है। और यहाँ पे कुछ गेम मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं प्ले करता हूँ तो आपको पता चलेगा कितना स्मूथली ये काम कर रहा है या यह डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा जॉयस्टिक में ए बी एक्स वाई बटन है, यहाँ पे भी नीचे आता है कि ए कंटिन्यू और बी बैक। तो मैं यहाँ पे ए में प्रेस करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथली चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो देखिए ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है और इसका जॉयस्टिक का जो पैड है वो भी बहुत ही स्मूथ है। तो मैं यहाँ पे होम बटन प्रेस कर देता हूँ और हम दूसरा एक गेम खेलेंगे जैसे कि ये हिल क्लाइंब एक नॉर्मल गेम है, इसको भी मैं आपको खेल के दिखाता हूं ये कैसे काम करता है।
तो यहाँ पे देखिए ये गेम भी आप स्मूथली यहाँ पे खेल सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है वो एंड्रॉइड टीवी को भी सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड टीवी में भी आप इसमें आराम से गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।